नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में गोंद को किसी न किसी रूप में खाया जाता है। ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे, जो बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो आटा लिया है। ये आटा थोड़ा मोटा है, हमने पिसवा कर लिया है। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप इसमें हल्की सी सूजी मिला सकते हैं। यहाँ पर 800 ग्राम जितनी चीनी ली है। अगर आप खांड लेते हैं तो आपको आटे की जितनी ही खांड लेनी होगी। चीनी थोड़ी मीठी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने थोड़ी कम ली है। 100 ग्राम जितने हमने बादाम लिए हैं, इन्हें हमने टुकड़ों में काट लिया है। आप मन की इच्छा के अनुसार और कोई मेवा भी डाल सकते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर बादाम लिए हैं। आप चाहे तो खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज वगैरह भी डाल सकते हैं, उसे भून कर डालना होता है। यहाँ 100 ग्राम जितना गोंद लिया है, इसे हमने सुखा लिया है और ये छोटे टुकड़े हैं। अगर आपके पास बड़े टुकड़े हैं उसे आप तोड़ लीजिएगा। 800 ग्राम जितना हमने घी लिया है। तो चलिए गोंद के लड्डू बनाते हैं। यहाँ पर हमने मोटे तले की कढ़ाई ली है, गैस फ्लेम ऑन कर लिया है। गैस फ्लेम मीडियम है, हम इसमें थोड़ा घी डाल लेते हैं। घी को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर घी गर्म हो गया है, गैस फ्लेम हमें स्लो से मीडियम कर लेना है और थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फ्राई करना है। इसे तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना गोंद लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से देखिए, ये फूल जाएगा गोंद। ये अभी चटक रहा है, चटकना बंद हो जाएगा तो मतलब ये फूल जाएगा। ये हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे गोंद को थोड़ा थोड़ा करके तल लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे गोंद को तल लिया है, ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम बादाम को तल लेते हैं। बादाम को एकदम स्लो फ्लेम में तलेंगे। बादाम को सिर्फ कच्चापन निकलने तक ही तलना है। इसका हल्का कच्चापन निकल जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे भी इस गोंद में डाल लेते हैं। बाकी का घी भी इसी में डाल लेंगे और सारा आटा इसमें भून लेंगे। आटा को लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर भूनना है। आटा यहाँ पर भूनने लगा है, खुशबू बहुत जोर की उठ रही है। ये थोड़ा और भुनेगा, अभी कच्चा है। ये ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। आटा का कलर चेंज हो गया है, ये ऐसे भी हल्का हो गया है, ये भुन गया है। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। ये गरम कढ़ाई में और भी भुन जाएगा, इसलिए हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये जो गोंद हमने फ्राई करके लिया है, इसको कभी कभी बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, तो हम इसे इन छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। वैसे ही खाने में क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं। कर लिया है, थोड़ा ऐसे ही रहने दिया है। अब हम इसी में आटा निकाल लेते हैं।
इस गोंद को हम इस तरह से दबा देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें मीठा मिलाएंगे, गरम गरम में नहीं मिलाएंगे वरना मीठे की गांठ पड़ जाएगी। अब इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर जो हमने आटा भूना था लड्डू के लिए वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती हो तो आप ज़्यादा ठंडा नहीं होने दें क्योंकि घी है जो जम जाता है। इसमें अब हम चीनी मिला लेते हैं। सर्दी के दिनों में गोंद खाना चाहिए, गोंद हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर में गर्माई भी पैदा करता है। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा में हमने मीठा अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप जिस साइज के लड्डू खाना चाहते हैं उस साइज के आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा लड्डू बनाएंगे। जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं इस प्रकार की मीठी रेसिपी या कुछ भी बनाते हैं बिना प्याज लहसुन वाली, तो हमारे ठाकुर जी को ज़रूर भोग लगाते हैं। आप जितना बड़ा या छोटा लड्डू खाना चाहते हो उसी साइज का आप लड्डू बना लीजिएगा। ये देखिए, इसी तरह हम सारे लड्डुओं को बांध लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे आटे के गोंद के लड्डू बांध लिए हैं। जब ये लड्डू ठंडे हो जाएंगे और थोड़े से टाइट हो जाएंगे तब इन्हें आप एक डब्बे में भर कर रख दीजिएगा। गोंद के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आप हमारे तरीके से लड्डू बनाइएगा, खाइएगा और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।